राष्ट्रगान की गूंज से गूंज उठा कर्तव्य पथ पर किया गया था ध्वजारोहण, दुनिया भर ने देखा भारत का शौर्य। नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी थी श्रद्धांजलि, डिजिटल विजिटर बुक पर अपने मन की बात को किया प्रकाश। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस की रही थी धूम, नारी शक्ति चेतना ने दिखाई आकाश की ताकत, नेवी की टुकड़ी को दिशा ने किया लीड, जागरण वीरों में 3 महिलाओं का दिखा शौर्य। पहली बार बीएसएफ की टुकड़ी ऊंट पर सवार होकर दिखी महिलाएं, कर्तव्य पर सलामी देते हुए आई नजर। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों में दिखी विविधता की झलक, गणतंत्र दिवस की परेड में देश के अलग अलग राज्यों की झांकियों को किया गया पेश। जबलपुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ध्वजारोहण, सीएम बोले एमपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, तेजी से आगे बढ़ रहा है मध्यप्रदेश। जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाली सभी सुरंगें तैयार, हिमालयन रेलवे का 90% काम पूरा, अब दिसंबर में दौड़ेगी रेल। दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च, बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी वैक्सीन, कोविन पोर्टल से होगी बुकिंग। सीएम धामी ने सीएम आवास पर फहराया था झंडा, प्रदेशवासियों को दी बधाई, कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ली संविधान की शपथ। गणतंत्र दिवस को लेकर कुमाऊं में पुलिस अलर्ट, आईजी ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चेकिंग के दिए निर्देश, पुलिस टीम को भी जगह जगह किया तैनात। देहरादून में फर्जी आधार सेंटर का भंडाफोड़, संचालक ऑपरेटर को किया गिरफ्तार, लोगों के जाली प्रमाण पत्र भी बरामद। जोशीमठ के मुद्दे पर फरवरी में राहुल गांधी आएंगे उत्तराखंड, कांग्रेसियों ने दौरे को लेकर की तैयारी, फरवरी में जोशीमठ पहुंचकर राहुल लोगों से करेंगे मुलाकात। हरदोई में ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, पिहानी के जहानी खेड़ा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर हुआ हादसा। दुनिया ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की बधाई, यूएस डिप्लोमेट्स ने वंदे मातरम की धुन बजाई, ऑस्ट्रेलिया पीएम बोले यह हमारी दोस्ती मजबूत करने का दिन, दुनिया ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। इजरायली हमले में 9 फिलिस्तीनियों की मौत, और बुजुर्ग भी बच्चे भी शामिल, अस्पताल में भर्ती। 16 तकरीबन देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार, चीन सरकार का दावा 20 दिन में 80% कम हुआ है मौतों का आंकड़ा, नए मामलों में भी 72% की आई कमी। फुटबॉल इतिहास में पहली बार दिखा वाइट कार्ड, पुर्तगाल की लीग में आया सामने, पुर्तगाल की वीमेंस लीग ने रेफरी ने जब अपनी जेब से वाइट कार्ड निकाला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 सीरीज के पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोट की वजह से बाहर हुए ऋतुराज गायकवाड़। बाबर आजम बने आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर, पिछले साल 54 की औसत से 2598 रन बनाए थे, वनडे का अवार्ड भी जीता। महिला आईपीएल की 4 मार्च से हो सकती है शुरुआत, 24 को खिताबी मुकाबला, 28 मई को पुरुषों के आईपीएल का फाइनल।